हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल सो सो मेक्स वुमेन्स मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल आज की वीडियो खास होने वाली है टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा सो यस इन टूडेज आई एम गोना शो यू ऑल द आई गॉट फ्रॉम कोल नगर मार्केट सो अगर आप मेरे चैनल पर काफी टाइम से बने हुए हैं तो यू नो दैट आई रिसेंटली वेंट टू द सरोजनी नगर मार्केट नॉट रिसेंटली एज एक महीना तो हो ही चुका है सो so, अगर आपने मेरे सरोजी नगर वाले ब्लॉग को नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट एंड उसी के कुछ टाइम बाद ही ना मैंने ऑन हॉल वीडियो भी शेयर किया था सो so, अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है सो so जरूर देखना, एस आई अब सो मेनी टेंडी क्लॉथ फ्रॉम देर सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज यही मिलती रहे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट जंप टू दीडियो सो लेट स्टार्ट विद द पेंडेंट्स एंड चौकर्स सो सरोजी नगर में ना गेट नंबर वन से एंट्री ले के ना लेफ्ट साइड में एक शॉप है जहाँ पे पेंडेंट्स जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे एंड सुंदर सुन्दर मिलते हैं एंड इस शॉप के बारे में ना मैंने अपने ब्लॉग वाले वीडियो में भी शेयर किया है सो वहां से मैंने दो पेंडेंट्स लिए है सो द फर्स्ट पेंडेंट आई बॉट फ्रॉम देअर इज दिस एंड दिस इज इन दिस काइंड ऑफ पैटर्न एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का सर्कल मिल जाता है एंड इस टाइप का कुछ पैटर्न है तो ये बहुत ही सुंदर

तो so, जरूर चेक करना उस शॉप पे जाके एंड ऑल्सो आई बॉट दिस चोकर एंड ये चोकर भी मुझे शायद हंड्रेड रुपीज का पड़ा था एंड इस चोकर को आप किसी एथनिक टॉप के साथ या फिर आप किसी नॉर्मल टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेस्टर्न ईयर एंड फॉर दैट आई हैव सो मैनी हुस एंड इस टाइप के जो हूप है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज के काफ़ी सारे मिल जाएंगे सरोजनी में एंड आई बॉट दिस काइंड ऑफ पर्ल वाला ब्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड देन आई बॉड दिस ब्लैक कलर में हूब्स एंड ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था एंड आप प्लेन टाइप के हूब्स भी ले सकते हैं वहाँ से दिस काइंड ऑफ होूब्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं एंड इस पर इस टाइप का कुछ पैटर्न भी बना हुआ है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड ऑल्सो आई बॉट दिस टाइप ऑफ गोल्डन कलर हुब्स एंड ये भी बहुत ही ज्यादा क्लासी लगते हैं पहने हुए so, इस टाइप के जो है ना ये बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं मेरे तो सच में बहुत ज्यादा काम आते हैं सो so, ये किसी भी ड्रेस के साथ ये हुब्स चल जाते हैं किसी भी टॉप के साथ आप इनको कैरी कर सकते हो इवन आप शर्ट के साथ भी इनको कैरी कर सकते हो हाई हाईनेक्स के साथ कैरी कर सकते हो so, आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज में हुस बाय कर सकते हो वहां से एंड अगर प्राइस वाइज मैं इनकी बात ना तो ये मुझे सारे के सारे जो है फिफ्टी ईच में

एंड ऑल्सो आई हैव दिस काइंड ऑफ इयर रिंग एंड इस पे जो है ना आपको हाथी का वर्क मिल जाएगा सो so, ये भी सिल्वर कलर में है ये भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं एंड नेक्स्ट आई हैव दिस काइंड ऑफ इयर रिंग एंड इस पे जो है ना कुछ स्टोन टाइप का बना हुआ है तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं so, इस टाइप के जो इयरिंग्स होते हैं ना लंबे लंबे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं एंड ऑल्सो आई हैव दिस काइंड ऑफ गोल्डन झुमका एंड ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं एंड आई हैव अ झुमका इन सिल्वर कलर ऑल्सो एंड ये जो झुमका है ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा था बहुत ही अच्छा डिजाइन है इसका so, ये जो एरिंग्स है ना ये एथनिक में बहुत ही अच्छा लुक देता है आप इसे सूट के साथ आप इसे साड़ी के साथ पहन सकते हो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं अगर प्राइस वाइज इनकी बात करूं ना तो ये सिर्फ पचास पचास रुपए के थे एंड जब मैं गेट नंबर वन से घुसी थी ना तो सामने जो होर्डिंग था ना मैंने ये सारे इयर उसी शॉप से लिए थे एंड ट्रस्ट मी गाइज वहां पे बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन था एथनिक का भी एंड वेस्टर्न का भी तो आप उस वाले शॉप पे जाके जरूर चेक करना सो द नेक्स्ट आई बॉट फ्राम देस दिस काइंड ऑफ बो इयरिंग एंड इस टाइप का ईयरिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है सो आप इसे एथनिक के साथ या फिर आप इसे वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो वन ऑफ द हॉटेस्ट ट्रेंड इन द ज्वेलरी इज द इयर क्लिम्बर्स एंड क्योंकि मेरी सेकेंड प्यर्सिंग भी हो रखी है तो आई वॉट सम ईयर क्लिम्बर्स फॉर दिस एंड इस यू कैन क्रिएट अ कूल स्टाइलिश प्यर्सिंग लु डन विद ज्वेलरी लेट्स टॉक अबाउट हेयर एसेसरीज एंड फॉर द हेयर एसेसरीज आई हैव दिज Hair pins and these kind of hair pins I got from there, and here I have five. लो एंड ग्रीन ब्लू ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे थे मुझे एंड आई हैव फाइव पेयर इन दिस एंड ये मुझे सिर्फ थर्टी रुपीज का पड़ा था तो मुझे बहुत अच्छा डील लगासो आई बॉट दिस काइंड ऑफ पिन फ्रॉम देअ एंड इट इज वेरी कॉमन लेकिन ये सुंदर लगता है तो मैंने ले लिया एंड ऑल्सो आई बॉट दिस टाइप ऑफ क्लक्टर्स इन द सिल्वर कलर एंड इन द गोल्डन कलर एंड ये जो था ये मुझे ट्वेंटी ईच पड़े थे तो ये भी मुझे अच्छा लगा था सो याद आएस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो सो दीज वर द दसेसरीज विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट सो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एसेसरीज की कितनी सारी वरायटी है एंड ऑल्सो जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है सो so, आप जब भी सरोजनी नगर जाएँ तो वहाँ से बहुत सारी एसेसरीज लेके आए एंड आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बी ब्यूटिफुल बी योर Bye bye, take care.